हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, आज हम श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक नंबर 63 पढ़ेंगे। तो हमारे इन्वोकेशन हरे कृष्णा महामंत्र से शुरू करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो चैप्टर नंबर 2 वर्स 63। क्रोधाद्भवती सम्मोहा, सम्मोहात समित्री विभ्रमा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रनाशते। From anger, complete delusion arises, and from delusion, bewilderment of memory. When memory is bewildered, intelligence is lost, and when intelligence is lost, one falls down again into the material pool. Tatparya, Srila Rupa Goswami has given us this direction. By development of Krishna consciousness, one can know that everything has its use in the service of the Lord. तो जो भी हम यूज करते हैं वो हमेशा भगवान के सर्विस के लिए, भगवान को ऑफर की करने के बाद हमें यूज करना चाहिए। Those who are without knowledge of Krishna consciousness artificially try to avoid material objects. तो जो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं होते वो मटेरियल चीज़ों में ही ज़्यादा खोए हुए रहते हैं। एंड एज ए रिजल्ट ऑल्दो दे डिज़ायर लिबरेशन फ्रॉम मटेरियल बॉन्डेज, और वे ये सोचते हैं कि मुक्ति का पथ मटेरियल चीज़ों से मिल सकता है, मतलब मटेरियल संबंध से वो मुक्ति पा सकते हैं। दे डू नॉट अटेन टू द परफेक्ट स्टेज ऑफ रिनन्सिएशन, वो लोग कभी भी उस मतलब त्याग के पथ पर पहुंच नहीं पाते। जो स्टेज होता है त्याग का, वो स्टेज तक वो पहुंच नहीं पाते। देयर सो कॉल्ड रिनन्सिएशन इज कॉल्ड फेगलो और लेस इम्पोर्टेंट। उन लोगों का रिनन्सिएशन ये होता है कि वो लोग उतना उसको इम्पोर्टेंट नहीं दे पाते। त्याग वो क्या है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दे पाते। ऑन द अदर हैंड ए पर्सन इन कृष्णा कॉन्सियसनेस नोज हाउ टू यूज़ एवरीथिंग इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। दूसरी तरफ जो कृष्ण भावना भावित होते, कृष्ण कॉन्सियसनेस होते, वो उनको पता है कि भगवान को कैसे हम सर्विस करेंगे, भगवान के कैसे हम सब कुछ सर्विस करने के बाद खुद उसको यूज़ करेंगे। Therefore, he does not become a victim of material consciousness. इसी वजह से जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होते हैं वो material चीज़ों में खो नहीं जाते हैं। Material जो consciousness होते हैं, material जो चेतना होते हैं, उनमें खो नहीं जाते हैं। For example, an impersonalist, the Lord or the absolute being impersonal cannot eat, whereas an impersonalist tries to avoid good eatables. तो जो इम्पर्सनलिस्ट होते हैं वो अच्छी चीज़ों को मतलब अवॉइड करते हैं। कैसे? लाइक अ डेवोटी नोज दैट कृष्णा इज़ द सुप्रीम एन्जॉयर एंड दैट ही इट्स ऑल इट्स अ डेवोटी नोज दैट कृष्णा इज़ द सुप्रीम एन्जॉयर एंड दैट ही इट्स ऑल दैट इज़ ऑफर टू हिम इन डिवोशन। तो एक कृष्ण भावना व्यक्ति वो चीज़ ग्रहण करता है, खाता है जो भगवान को पहले ऑफर किया गया है, उसके बाद वो खाता है। सो आफ्टर ऑफरिंग गॉड ईटेबल्स टू द लॉर्ड द डिवोटी टेक्स द रिमेनेंस कॉल्ड प्रसादम। तो उस चीज़ को हम कहते हैं प्रसादम, जो हम भगवान को पहले ऑफर करते हैं उसके बाद खुद खाते हैं। दस एवरीथिंग बिकम्स स्पिरिचुअलाइज, और इससे क्या होता है, सब कुछ स्पिरिचुअलाइज होता है, सब डिवोशन में आ जाता है, वो स्पिरिचुअल हो गया, वो अभी खाना नहीं रहा, वो अभी प्रसादम हो गया है। एंड देयर इज़ नो डेंजर ऑफ डाउनफॉल, और इससे कोई पतन नहीं होता है अगर हम वो चीज़ खाएंगे, क्योंकि हम प्रसाद खा रहे हैं।
The devotee takes prasadam in Krishna consciousness, whereas the non-devotee rejects all it is material. एक तरफ डेवोटी है जो प्रसादम ग्रहण करता है और एक तरफ जो नॉन डेवोटी होते हैं वो उसको मतलब मटेरियल सोचते हैं, उसको अवॉइड करते हैं. द इम्पर्सनलिस्ट देयरफॉर कैन नॉट एंजॉय लाइफ, और इसी वजह से एक इम्पर्सनलिस्ट कभी भी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाता. देन देयरफॉर कैन नॉट एंजॉय लाइफ ड्यू टू हिस आर्टिफिशियल रिनन्सिएशन, क्योंकि वो एक आर्टिफिशियली ये मतलब सोचा है कि मैं त्याग कर रहा हूँ, तो उस आर्टिफिशियल त्याग से वो कभी भी अपने लाइफ को इंजॉय नहीं कर पाता. एंड फॉर दिस रीजन ए स्लाइट एजिटेशन ऑफ द माइंड पुल्स हिम डाउन अगेन इन टू द पूल ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस, और इसी घबराहट की वजह से वो बार बार नीचे गिर जाता है क्योंकि वो कृष्ण कॉन्शियस में नहीं है, तो इससे उसका जो घबराहट है वो बढ़ जाता है और उसका दिमाग उसको बार बार नीचे मटेरियल चीज़ों में ही लगा देता है. इट इज़ सेड दैट सच ए सोल इवन दो राइजिंग अप टू द पॉइंट ऑफ लिबरेशन फॉल्स डाउन अगेन ड्यू टू हिज नॉट हैविंग सपोर्ट इन द डिवोशनल सर्विस. तो जब तक हम भगवान के लिए डिवोशनल सर्विस मतलब वो सर्विस ऑफर नहीं करेंगे भगवान को, तो हम जितना भी कोशिश कर ले कि रिनन्सिएशन की त्याग की, वो उस स्टेज तक हम कभी नहीं पहुंच सकते जब तक हम अपने मन में डिवोशनल सर्विस टुवर्ड्स लॉर्ड कृष्णा नहीं लाएंगे. तो आज हमने पढ़ा 63 नंबर श्लोक, नेक्स्ट वी विल रीड 64 नंबर श्लोक. हरे कृष्णा.